आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए मैं आज की पहली घोषणा करने जा रहा हूं और वो है 59 मिनट लोन पोर्टल का देशव्यापी लॉन्च करना। यानी अब जितनी देर में आप सुबह घर से ऑफिस पहुंचते हैं या शाम को जितने समय आप अपना वही खाता मिलाने में लगाते हैं, उतनी ही देर में आपको 1 करोड़ रुपए तक के ऋण को सैद्धांतिक स्वीकृति मिल जाया करेगी। साथियों, कुछ समय पहले हमारे वित्त मंत्री श्रीमान जेटली जी के निर्देशन में एक प्रयास, इसका एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने शुरू किया था और उस समय मैंने अधिकारियों से कहा था कि आप ट्रायल के तौर पर इसे शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन जो लक्ष्य मैं आपको दूंगा उस तक कार्यक्रम के पहले पहुंच पाओगे क्या? और मेरे भाइयों बहनों, मैंने उनसे कहा था कि हमारी आजादी का ये 72वां वर्ष है और मैंने कहा था कि क्या जिस दिन इस पोर्टल को देशभर में लागू किया जाएगा तब तक क्या आप लोग 72,000 छोटे उद्यमों को, उनके लोगों को 1 करोड़ रुपए का जो कर्ज है, 59 मिनट वाली योजना है, उस कर्ज को स्वीकृत कर पाएंगे क्या? साथियों, इस वक्त जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, उस समय ये जो काउंटर दिख रहा है, ये जो घड़ी जैसा दिखाई दे रहा है, वो बता रही है कि अब तक कितने एमएसएमई उद्यमियों को इस पोर्टल के माध्यम से या तो कर्ज स्वीकृत किया गया है या फिर उनका रिन्यूअल हुआ है। आप लगातार देख सकते हैं कि कैसे इस संख्या में बदलाव हो रहा है। यहीं कहीं दूर से देश के किसी कोने में बैठे आपके उद्यमी भाई या बहन को मात्र 59 मिनट में 1 करोड़ रुपए तक के कर्ज की मंजूरी इस वक्त भी दी जा रही है। सोचिए, सिर्फ 59 मिनट, सिर्फ 59 मिनट। और मैंने जानबूझकर के 1 घंटा नहीं रखा, वरना 1 के 2, 2 के 3 होते देर नहीं लग जाती। और इस पर कैप लगाया 59 मिनट। भाई और बहनों, ये काम पहले की सरकारों में भी हो सकता था, लेकिन ऐसे कामों के लिए नियत सबसे ज्यादा जरूरी है। ईमानदारी की प्रतिष्ठा जरूरी है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के मूल मंत्र पर चल रही है हमारी सरकार। हर कदम पर आपको नियमों के जाल से मुक्ति दिलाने का काम कर रही है। मुझे याद है जब मैं अफसरों से इस पोर्टल के बारे में बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि उद्यमियों के टर्नओवर की सूचना आपके जीएसटी रिटर्न में है। आप बड़ी आराम से ये बात समझ जाएंगे मैं क्या कहूंगा। इनकम की सूचना भी टैक्स रिटर्न में मौजूद है, कैश फ्लो भी बैंक अकाउंट में मौजूद है, तो फिर इन सबको जोड़कर एनालिटिक्स के द्वारा ही बैंक आपको लोन क्यों नहीं दे सकते? मैंने यह भी कहा था कि इस सुविधा का ज्यादा से ज्यादा प्रसार हो और हर उस जगह पर इसका लिंक हो जहां हमारे लघु उद्योगों से जुड़े कारोबारी जाते हैं, जैसे जीएसटी पोर्टल। इस पोर्टल से जुड़ने वाले ईमानदार करदाता, ईमानदार उद्यमी को आखिर कर्ज मिलने में दिक्कत क्यों हो? और इसलिए जब आप जीएसटी पोर्टल पर अपना रिटर्न फाइल करेंगे उस समय भी आपको यह सुविधा मिलेगी। जैसे ही पोर्टल पर जाएंगे, पोर्टल ही आपको
आपसे पूछेगा कि क्या आपको लोन चाहिए, अब सामने वाला पूछ रहा है लोन चाहिए और कहता है अगर चाहिए तो 59 मिनट में मैं देने को तैयार हूं। साथियों, हमारी कोशिश यही है कि जीएसटी से जुड़े हर उद्यमी, हर एमएसएमई के द्वार पर सरकार खुद सामने से आकर के वाहन के घर तक पहुंचे। आज मुझे खुशी है कि इन सारी बातों को ध्यान में रखकर अब आपके लिए ये 59 मिनट में लोन स्वीकृति की सुविधा आपको मैं समर्पित करता हूं और इसका लाभ आज देश के हर क्षेत्र के लघु उद्यमी को मिलना शुरू हो गया है, काम चालू है। ये नया भारत है, इसमें बैंक में बार बार जाने के चक्कर लगाना खत्म।